नमस्कार दोस्तों, एमपी टुडे प्रेजेंट टुडे मेरा मैं आपका स्वागत है। मैं हूं संजय। हमारे एजुकेशन पार्टनर हैं वेल फाउंडेड हायर सेकेंडरी स्कूल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं ग्वालियर मेले के झूला सेक्टर में हूं और मैं अभी नाव पर हूं। यहां पर लोग बाग झूले का आनंद ले रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ग्वालियर मेले में सैलानी झूला झूलने आ रहे हैं। ग्वालियर मेले के झूला सेक्टर में हमारे साथ में झूला झूलने आए कुछ सैलानी मौजूद हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? सिम्मी शर्मा। कहाँ से आए हैं आप? ग्वालियर से। कौन कौन से झूले झूले आज आपने? अभी फर्स्ट तो यही वाला झूला हुआ है, अभी आए। सर आप कहाँ से? मैं ग्वालियर से। कितने सालों से आ रहे हैं ग्वालियर मेले? मैं पिछले 10 साल से आ रहा हूँ ग्वालियर मेले। क्या विशेष रहता है ग्वालियर मेले में आप लोगों के लिए? ग्वालियर मेले में बहुत अच्छा मेला लगता है। पिछले दिनों कोरोना के चक्कर में मेला लग नहीं पाया था, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा मेला लगा है। हमारे श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी के उनके बहुत उन्होंने मेहनत की इस मेले को लगवाने के लिए और बहुत ही अच्छा मेला लगा है। सबसे अच्छा ऑटोमोबाइल सेक्टर है अपना, झूला सेक्टर है बच्चों के लिए, और भी खाने पीने के सभी चीज़ें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा। मैम आपका नाम? मैं नेहा जोशी हूँ, मैं यूनियन बैंक में जॉब करती हूँ। मेरे लिए लास्ट ईयर मैं यहाँ पे मेले का वेट कर रही थी, लेकिन लगा नहीं था। तो इस बार मेरा फर्स्ट चांस है मेले के लिए, तो इट्स अ अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और जैसा अभी सब लोग इन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत मेहनत की गई है लोगों के द्वारा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इस बार नए नए झूले आए हैं, कौन कौन से झूले झूले हैं आपने? ये मेरा फर्स्ट झूला ही था अभी। अभी और भी झूले हैं, वो भी आप झूले? मैं वेट कर रही हूँ, सारे झूले झूल के जाऊँगी। थैंक यू। एक और मैं बोलना चाहूँगा कि एक बंजी जंपिंग भी आया है, वो एडवेंचर का एक झूला है, एडवेंचर के लिए है, उसमें आप जरूर इंजॉय कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल इंजॉय करेंगे, नेक्स्ट राइड वही रहेगा। तो ये हमारे साथ में एक फैमिली है और मैं सर आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि भारत के राष्ट्रपति का नाम जानना चाहता हूँ। भारत के राष्ट्रपति मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी। अच्छा मैम ये बताइए मुझे, भारत का प्रथम नागरिक कौन था? राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति हमारे। अच्छा मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी में जाने के बाद गीली नहीं होती? पानी में जाने के बाद गीली नहीं होती? पानी में जाने के बाद गीली नहीं होती? मछली ऑलरेडी गीली रहती। अच्छा पानी में जाने के बाद गीली नहीं होती? देखो ना देखो तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन में आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, मेरे को मेरे चैन आता है। थैंक यू एमपी टुडे। कोरफॉर्म मैट्रेस की ओर से एक उपहार आपको दिया जाएगा।
एक सर उपहार आपको दिया जा रहा है। ये गिफ्ट वाउचर है, अगर आप मैट्रेस लेते हैं तो आपको डिस्काउंट ऑफर मिलेगा सर इसमें 25% का। वेल फाउंडेड स्कूल की ओर से आपको ये उपहार दिया जा रहा है, एक उपहार मैम आपको दिया जा रहा है। हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल से हम मैंने अभी ये सब्सक्राइब कर लिया आपके सामने और हम अब इसके कंटिन्यू विजिट करते रहेंगे। जी आप बहुत मेहनत कर रहे हो, इतनी ठंड में लगे हुए हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम मना रहे हो। एमपी टुडे नेटवर्क जिंदाबाद। थैंक यू। ग्वालियर मेले में हमारे साथ में कुछ सैलानी मौजूद हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं कहाँ से आए हैं वो और आज कैसा उनने एंजॉय किया है। मैम कहाँ से आए आप? ये हमारे साथ देव कन्याएं हैं, ये हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय की आई हुई हैं। ये ग्वालियर में सांस्कृतिक जो भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। आप कहाँ से हैं मैडम? जी मैं ग्वालियर की हूँ और मेरे संरक्षण में आई हैं ये लोग। मैम क्या नाम है आप? वर्तिका। आप कहाँ से हैं? हरिद्वार देव संस्कृति विश्वविद्यालय से। ग्वालियर मेला कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आप कहाँ से? मैं यूपी बागपत से हूँ लेकिन अब देव संस्कृति विश्वविद्यालय से आई हूँ मैं। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे मेले में आके। कौन कौन से झूले झूले हैं अभी आप? अभी नाव वाला झूला झूला है, पहले अभी गोल वाला झूला था हिंडोला वाला। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिया है, मैं भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय से आई हूँ। वैसे मैं दिल्ली से हूँ और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। अंकल जी आप कहाँ से हैं? मैं ग्वालियर से हूँ और ये ग्वालियर का विशाल मेला, विराट ग्वालियर और विराट मेला। सिंधिया जी जिस तरीके से ग्वालियर मेले के लिए जागरूक हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार? सिंधिया जी ने जिस तरह से मेले को 50% की जो छूट दी है इससे सराहनीय है और इसके साथ साथ इस व्यापार मेले को और भव्यता अपन दे सकते हैं, जिसके लिए अपन को विचाराधीन और ग्वालियर वासियों को और जिस तरह इंदौर में स्वच्छ भारत चल रहा अभियान इस तरह ग्वालियर में भी चलना चाहिए और लोगों के दूर दूर से ग्वालियर में देखने आने जाते हैं। हमारा ग्वालियर विशाल ग्वालियर, विराट ग्वालियर। विराट ग्वालियर में जो हरिद्वार से जो कन्याएँ आई हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ग्वालियर मेला क्यों विशाल है, क्या इतना बड़ा मेला आज तक आपने देखा है? नहीं पहली बार देख रहे हैं। आपने देखा कभी? नहीं 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 इतना बड़ा नहीं देखा। इतना बड़ा नहीं, इतने झूले कभी देखे आपने ग्वालियर के जो हैं इस तरीके से लगे हैं? दिल्ली में तो है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा। हाँ तो आप देख सकते हैं कि ग्वालियर मेले में देश का सबसे बड़ा मेला ग्वालियर मेला है और यहाँ पर दूर दूर से ग्वालियर में लोग बाग आते हैं और मेले का आनंद लेके जाते हैं, झूले के इंजॉय करते हैं, शॉपिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो या ऑटो सेक्टर हो या झूला सेक्टर हो, सभी विशाल हैं ग्वालियर मेले में। गायत्री के महायज्ञ से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। यह मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में सुख ज्योति जगाने वाला। हर साधक के जीवन में सुख ज्योति जगाने वाला। करो साधना तन से मन से, करो साधना तन से मन से, दूर सभी संताप हरो,
सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ग्वालियर मेले के झूला सेक्टर में डबल डिस्क झूला झूल के आए हैं। हमारे साथ में कुछ युवा हैं और ये स्टूडेंट्स हैं, इनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी परिहार। कैसा लगा डबल डिस्क? अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। क्या सबसे डेंजरस झूला है? नहीं, नहीं इतना खास, इससे डेंजरस रेंजर है। अच्छा ये बताइए मुझे कि इस झूले में कुछ अलग तरीके का फील होता है? हाँ, अलग तो है काफ़ी, क्योंकि यहाँ इतने झूले हैं उनमें से तो काफ़ी अच्छा है ये वाला, बेस्ट। अच्छा, ग्वालियर मेला देश का सबसे बड़ा मेला है, इसमें क्या कुछ खास रहता है? आप सब कुछ डिफरेंट ही लगता है इधर, मतलब और कंपैरिजन देखा जाए तो उसके हिसाब से बहुत डिफरेंट और बहुत बड़ा मेला भी माना जाता है इसको। मैं आपसे पूछना चाहूँगा भाई, कैसा लगा? देखने में तो काफ़ी नॉर्मल लग रहा था, पर जब स्टार्ट हुआ तो समझो जान निकल गई थी। हाँ, ये तो सब लोग ऐसे कह रहे हैं, ठीक था। क्यों समझ में उसको ही आया, अंदर से वही समझ पाया जो झूलेगा इसको। अच्छा, मैंने इस झूले को थोड़ा सा, इसकी टाइमिंग जो है वो कम है, लेकिन मैंने उसको ज्यादा करवा दिया था। हमें पता चल गया था कम है, काफी कम है, ये अभी भी कम लग रहा है हमें तो। लग रहा था कि ये कैमरामैन वाले भैया को पकड़े, उनसे कहें कि इस टाइम को कटवाएं, हमें डर लग रहा है। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी में जाने के बाद गीली नहीं होती? पानी में जाने के बाद गीली नहीं होती, मेरी दीदी बताएगी। आइस, आइस ऑलरेडी गीली रहती है, ऑलरेडी गीली रहती है। सोच रहे हैं पन्नी, पन्नी भी गीली हो जाती है। भारत के राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए जी। द्रौपदी मुर्मू। ये तो बहुत अच्छा है। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? कर्नाटक बेंगलुरु। बताना है। मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे, एक दीवार है, उस दीवार को 8 लोगों को बनाने में उस दीवार को 10 घंटे लगते हैं, अगर 4 लोग उस दीवार को बनाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे? 20 घंटे। गलत जवाब। सेम 10 घंटे लगेंगे। गलत जवाब। पहली बन चुकी है। चलिए ठीक है, पहले ही बन चुकी है। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन, एक सेंटेंस दूंगा आप लोगों को, वो सेंटेंस ट्राई करना पड़ेगा आपको, ठीक है? नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदन करके नीम के नीचे नटखट सिंह नागिन का नाच नचाया। अरे यार नहीं। नंदू की नानी ने, नंदू की नानी ने, दोबारा से, दोबारा आप रिपीट करना एक बार। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदन करके नीम के नीचे नटखट सिंह नागिन का नाच नचाया। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नीम के नीचे, आई डोंट नो, आप ईटीसी। कैसे? नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदन करके नीम के नीचे नटखट सिंह नागिन का नाच नचाया। नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदू के पेड़ के नीचे नागिन का नाच नचाया। नहीं आ रहा पूरा। नंदू की नाना ने नंदू की नानी को पेड़ के नीचे नंदू के नाच नचाया। मैं एक और बार बता देता हूँ, नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदन करके नीम के नीचे नटखट सिंह नागिन का नाच नचाया। नटखट सिंह नागिन से हो जाएगा। आप कोशिश करिए, आप कहाँ से हैं भाई? साथ में ही हम लोग भाई बहन हैं। अच्छा ये बताइए, ग्वालियर मेला आप लोगों के लिए क्या खास रहता है? साल में कुछ नया आता है हम लोगों को देखने के मिलता है, झूला झूलते हैं, इतने झूले मिल जाते हैं इसमें, झूले मिलते हैं, सब कुछ घूमने के लिए, सारा एंजॉयमेंट वगैरह करने के लिए हम लोग हर साल आते हैं। क्या 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 शॉपिंग करी है आज आप? अभी तो कुछ नहीं करी, अभी तो झूला झूला है, फिर देखते हैं शॉपिंग वगैरह। क्या कुछ खाया? कुछ खाया कि नहीं खाया? भेलपुरी। भेलपुरी भैया ग्वालियर मेले में बड़ी ही फेमस है।
सालों की गाई है वो। तो आप सभी लोग ग्वालियर से ही हैं जितने भी? मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है, आते हैं मुसाफिर जाते हैं मुसाफिर और क्या और जाना ही गाना। एमपी टुडे नेटवर्क ऑफ वेल फाउंडेड स्कूल की ओर से आपको एक उपहार दिया जा रहा है, एक उपहार आपको दिया जा रहा है, एक उपहार आपको दिया जा रहा है और एक उपहार आपको दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है अगर हमारा मेला हमारे कॉलेज से होकर बहुत अच्छी जगह मतलब फैलता है कि हाँ ये चीज़ एक इतनी गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलती है सब चीज़ों से, हम लोग इतना इन्जॉय करते हैं तो अच्छी बात है। आप लोग अपनी इसमें हेल्प कर रहे हो, उस चीज़ के लिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। ग्वालियर मेले में इस बार एडवेंचर को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे युवाओं को लुभाने के लिए साधन उपलब्ध हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि राइफल शूटिंग्स हो, साथ में रॉक क्लाइंबिंग भी देख सकते हैं आपकी, रॉक क्लाइंबिंग भी युवाओं को लुभाने के लिए उपलब्ध है, युवाओं में जोश डालने के लिए कई चीज़ें ऐसी उपलब्ध हैं जो आप इस बार एंजॉय कर सकते हैं। तो ग्वालियर मेले में इस बार देख सकते हो आपकी, साथ में आप तीर कमान भी देख सकते हो और या राइफल शूटिंग्स लोगों को लुभाने के लिए एडवेंचर के लिए उपलब्ध है। क्या नाम है भाई आपका? राजू रावत। राजू ये बताओ कि ग्वालियर मेले में इस बार एडवेंचर के लिए आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें रखी हैं? जैसे कि आर्चरी हुई, राइफल शूटिंग हुई, क्लाइंबिंग हुई, इस अब की बार जो नया मेले में उसका एडवेंचर का जोशी को एडवेंचर द्वारा कितना कितना चार्ज रखा है इस बार इसका? हमने 50-50 रुपये रखा हुआ है। मेरा तो ग्वालियर शहर के लोगवासियों से यही कहना है कि ग्वालियर के मेले में आओ और हर एक चीज़ एक्टिविटी द्वारा सबका एंजॉय करके जाए, जहाँ पर हर एक एक एक्टिविटी का जैसे कि क्लाइंबिंग हुई उसको भी करके चेक करना चाहिए, राइफल हुई ये तो अपन को जब कभी चलाने को मिलता है राइफल शूटिंग आर्चरी जी। तो आप देख सकते हैं कि ग्वालियर मेले में एक बार अवश्य आएँ और देख सकते हैं आपकी स्पोर्ट्स के लिए कई ऐसे साधन उपलब्ध हैं जो आपको इंजॉय भी देंगे, धमाल भी करोगे आप और मस्ती भी करोगे।